बड़वानी। विजय होने पर स्वागत कार्यक्रम में जा रहे नवनिर्वाचित सरपंच के परिवार पर किया हमला। चुनाव में जीत पर आपसी रंजिश में एक व्यक्ति हुआ घायल। जीते हुए सरपंच परिवार पर किया हमला। कोरोना महामारी के बाद लगभग 7 साल बीत जाने के पश्चात मध्य प्रदेश शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए। पंचायत चुनाव में पूरे 3 चरण के चुनाव शांति पूर्वक सम्पन्न हुए, जिसके लिए जिला प्रशासन बधाई के पात्र है। परंतु परिणाम आने के बाद बड़वानी थाना क्षेत्र के बोमिया ग्राम पंचायत इस बार के पंचायत चुनाव में हरी सिंह पिता नारू, जो लगभग 200 से अधिक मतों से जीत चुके हैं, सरपंच ने बतलाया। वह अपनी जीत की खुशी में स्वागत सत्कार कार्यक्रम में परिवार के साथ जा रहे थे। बोमिया बलखड़ ग्राम में कुछ कतिपय तत्वों ने उनके और उनके परिवार पर पत्थरों से हमला किया, जिसके कारण उनके परिवार के एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। हर सिंह पिता नूरू। कौन से गांव से? मैं निवासी बलखड़ हूं, बोमिया पंचायत सरपंच हूं, निर्वाचन जीत के अभी आया। पहले भी सरपंच रह चुके हैं, 7 वोट से मैं हार गया था। तो मैंने स्वागत के लिए मेरी बहन, तो थाने पर ये मेरे स्वागत के लिए जा रहे थे गांव में कि मेरे को वोट दिया करके। तो मेरे को मेरे गांव वाले ने एकदम से तीर कामट पालिया, पत्थर लेके एकदम से हमला करने मन गा। तो मेरे मौसी सासू का छोरा है मगन पिता रघुनाथ, उसको लगा सिर में। उसके बाद एकदम तीर कामट चलाए मेरी बहन बेटी पर, मेरे परिवार को पूरे लोग गाँव वाले होता, मेरे रिश्तेदार भी होता। तो मैं स्वागत के लिए जा रहे थे, मेरे पर एकदम से हमला करा तीर कामट, हमारे लोग के बहुत सारे को पत्थर लगे। मैं 200 लगभग से जीता हूँ। हाँ, ऐसे तो मेरे वोट 600 से पर आए मेरे वोट। थाने पर मैं आवेदन दिया, ये लोग मेरे से ऐसे घटना करी, आज आपको बता दिया मैं थाना प्रभारी को। वो अस्पताल में भर्ती है मगन पिता रघुनाथ। इन लोगों ने हमला किया, ये कन्या पिता सरदार, उसके बाद नारशा पिता सरदार, उसके बाद ये पठान पिता जुगड़िया, उसके बाद रीतला पिता सरदार, उसके बाद ये आल सिंह पिता दूर सिंह, उसके बाद ये दिनेश पिता गिलधार, उसके बाद संतोष पिता बाबू। कम से कम 50 लोग, ये पूरे परिवार बच्चे पूरे इनके साथ में आए, हमारे पर हमला करा। हमारे भाई ने सुप दाने दान हो गए कि पूरे खेत में। हमारे साथ में बच्चा भी होता, महिला भी होती, मेरी बहन भाने सुप होती, मेरे गांव वाले परिवार सुप साथ में होता। तो मैं कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को रिपोर्ट सौंपा। सर, बलखड़ के कुछ लोग आए थे थाने पर, क्या विवाद का क्या मामला था सर उनका? आज ग्राम बलखड़ में कन्हैयालाल द्वारा रिपोर्ट की गई कि आज वो उसके पिताजी दोनों मोटरसाइकिल से बड़वानी से वापस बलखड़ जा रहे थे। बलखड़ में 3-4 लोग उसको मिले और बोले कि साला हमारा हर सिंह जीत गया, तुमने वोट दिए नहीं दिए फिर भी हम जीत गए। इस बात पर से इनका विवाद हुआ, विवाद में इसके साथ में मारपीट की गई, मारपीट में पत्थर मारने से उसके सिर पर चोट लगी है, जिसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, अभी क्या वो अस्पताल में भर्ती है सर? हाँ, उसको मेडिकल के लिए भेजा था, अस्पताल में भर्ती है सर, मेडिकल के लिए भेजा था, वहीं पे उसको भर्ती कर लिया गया है। तो सर, जो जो, जो आरोपी है सर, उनकी गिरफ्तारी हुई सर? उनके द्वारा भी रिपोर्ट की गई है, उनके साथ में भी कुछ मारपीट की गई है, तो उन्होंने भी रिपोर्ट की गई है, तो दोनों की क्रॉस रिपोर्ट है। तो सर, आप आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे दोनों पे कार्रवाई करेंगे, दोनों की पार्टियों गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश करेंगे। सर, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, कौन सी धारा? मारपीट की धारा पंजीबद्ध किया गया।